ओके लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक्चुअली मैं आज के दिन बिल्कुल आराम से आ रहा था, बिल्कुल मजे में, एंड तभी मेरे को अपनी बिल्कुल डेस्कटॉप के पास एक पेपर मिलता है, एंड उस पेपर को पढ़ने के बाद आई वाज लाइक बेड़ा मिनट What is this? तो इसलिए का तुम्हारे मन में चल रहा है कि आखिर उस पेपर में क्या लिखा हुआ था, तो उस पेपर में एक मैसेज लिखी हुई थी मेरे छोटे भाई की। यस, वही छोटा भाई जो कि मेरी मोस्टली काफी वीडियोस में आता ही रहता है, कभी वो मेरे पीछे बेड में लेटा होगा, कभी मेरे को परेशान कर रहा होगा। अब एक्चुअली उस मैसेज में था क्या कि वो चाहता था कि मैं उसके साथ एक माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाऊं। तो एक्चुअली मैंने वही किया, मैंने उस बच्चे की विश को कंप्लीट करने का सोचा। मैं राघव के साथ एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन उसको परेशान भी करूंगा। मैंने अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड ओपन किया और उसके अंदर कुछ ट्रोल मैप्स बनाए, लाइक ऐसे ट्रोल मैप्स जिससे राघव को पहले बहुत ज्यादा अच्छा लगे और बाद में बहुत ज्यादा बुरा। एक्चुअली मेरा प्लान ये था कि मैं उसको दिखाऊंगा कि जैसे कि ये बिल्कुल साधारण माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है और मैं उससे कुछ छोटी सी चीजें कराऊंगा और बहुत छोटी सी चीजों के लाइक वो ट्रोल होगा। यस, मैं चाहता था कि मैं उसे परेशान करूं माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर। यस, मेरा मेन मकसद ये था कि मैं एक 6 साल के बच्चे को माइनक्राफ्ट में एक वीडियो के लिए उसको परेशान करूं। ओके, तो एक्चुअली मैंने किया क्या था, मैं सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं राघव को सबसे पहले अपना ये प्यारा सा घर दिखाऊंगा, एंड ये घर दिखाने के साथ ही साथ मैं उसको बोलूंगा कि राघव सामने वो तेरे को जो पेड़ दिख रहे हैं ना उनके पास जाओ एंड थोड़ी सी लकड़ी लेके आओ, मेरे को थोड़ी सी प्यास लगी है, मैं पानी पियाता हूं। यस, ये मेरा फर्स्ट प्लान था। तो ये बात सुनने के बाद राघव करेगा क्या, वो ऑब्वियसली इसके पास आएगा, वो कहेगा ओ माय गॉड, पहली बार रचित भाई ने मुझे कोई काम दिया है, पहली बार मैं माइनक्राफ्ट गेम को एक वीडियो में खेल पाऊंगा, लोगों को दिखा पाऊंगा मैं कितना ज्यादा प्रो हूँ। तो वो इसी तरीके से कहते कहते यहाँ पर आएगा और वो कहेगा ओके मैं पेड़ तोड़ लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो ऑब्वियसली एक्स से ये जो तुम्हें अरे भैंडी बता कंट्रोल ओके कोई ना। तो एक्चुअली वो करेगा क्या, वो ये एक्स से जो है ना ये जितने भी पेड़ दिख रहे ना इनको आराम से तोड़ेगा और देखेगा ओ माय गॉड यहाँ पे इतने ज्यादा डायमंड्स, एंड वो ये सारे डायमंड्स को कलेक्ट करेगा। आई नो मैं क्रिएटिव मोड के अंदर इसलिए मैं कलेक्ट नहीं कर सकता हूं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि मैं इस पल में ये डायमंड्स को कलेक्ट करूं। ठीक है, तो सबसे पहला यही होगा, मैं उसको बोलूंगा कि राघव उधर साइड पेड़ है, ठीक है उस पेड़ की लकड़ियों को लेके आओ। ओके, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैंने सोच ये रखा है कि इस हमारे इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल ही ऑफ होंगे। ठीक है, मतलब कि जब मैं उसको बल्ट में लाऊंगा तो ये जो ग्राफिक्स है ये कुछ इस तरीके के होंगे। तो देन मैं उससे बोलूंगा कि राघव एक कैरेट को खाओ, कैरेट को खाने के बाद अगर तुम 5 बार उठक बैठक करते हो तो एक जादू की मदद से, एक भगवान जी के जादू की मदद से इस बल्ट के ग्राफिक्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे उतनी तगड़ी चीज नहीं है। अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ सबसे बेस्ट वाला। अभी स्टार्टिंग थी चीजों की कि आखिर हमारे ट्रोल मैप्स कैसे होने वाली है। यहाँ पे मैं राघव को भरोसा दिला रहा था कि ये जो बल्ट है ये जादुई है, इसके अंदर बहुत जादुई चीजें हो सकती हैं। और फिर मैं उसको घुमाते घुमाते इस एंगल में लाऊंगा, इस डायरेक्शन में लाऊंगा, और मैं उससे कहूंगा कि राघव इस बल्ट के अंदर एक भगवान जी है और जो इस बल्ट को खेलता है अगर वो बहुत अच्छा लड़का होगा, वो कुछ भी गलत काम नहीं करता होगा, तो उसे रास्ते में चलते चलते कोई बोर्ड देखेगा जिसमें लिखा होगा कि डायमंड्स यहाँ पे है। तो ऐसे ही राघव घूम रहा होगा दस साइड, ठीक है, एंड वो देखेगा ओ यहाँ पर तो वही बोर्ड है जो रचित भाई ने बोला था, यहाँ पे तो लिखा हुआ है नीचे डायमंड्स है। तो वो कहेगा ओ माय गॉड मुझे वहां पर भी डायमंड मिले, यहाँ पे ये ग्राफिक्स इतने अच्छे हो गए। तो वो इसके नीचे जाएगा एंड उसको देखेगा यहाँ पे दो दो डायमंड्स के ब्लॉक्स, तो वो ये दो डायमंड के ब्लॉक्स तोड़ेगा एंड फिर वो नीचे देखेगा, उसको लगेगा कि नीचे और भी ज्यादा डायमंड्स हैं। और फिर मैं यहाँ पे उससे दोबारा से बोलूंगा कि राघव मेरे को प्यास लगी है मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से रूम से चला जाऊंगा। एंड उसके बाद वो जाएगा इसके नीचे एंड उसको यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स मिलेंगे एंड वो कहेगा ओ माय गॉड ये डायमंड्स तोड़ो, ये डायमंड्स तोड़ो, ये भी डायमंड तोड़ो, सब कुछ तोड़ो, और ये नीचे वाला डायमंड है ये भी तोड़ो। यस, यही होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक डायमंड ब्लॉक रखा है, तो वो लालच के चक्कर में ये सारे डायमंड्स को बहुत जल्दी जल्दी तोड़ने की कोशिश करेगा और वैसे ही वो इस लावा के अंदर नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। एंड उसके बाद मैं पानी पी के आऊंगा एंड उस समय मैं उसका रिएक्शन देखूंगा कि उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि सारी चीजें जो होगी ना वो ऑलरेडी जा चुकी होंगी उसके पास से, अब वो बिल्कुल ही कंगाल हो गया होगा। ठीक है, और मैं उससे कहूंगा कि राघव मेरे डायमंड्स कहाँ गए, मेरी डायमंड पिकेक्स कहाँ गई, फिर मेरे को देखना है कि आखिर उसका रिएक्शन क्या होगा। ओके, उसके बाद
बाद मैं क्या करूंगा, मैं उससे कहूंगा कि राघव इस बल के अंदर जो है एक मूर्ति है, एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उस मंदिर को कोई भी ढूंढ नहीं पाया है आज तक, ठीक है। एंड अगर कोई उस मंदिर को ढूंढ लेता है तो वो मंदिर उसको डायमंड्स देता है एंड बहुत ऐसी ऐसी चीजें देता है जो कि आप कभी भी गेम के अंदर बिल्कुल आसानी से नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो मैं उससे कहूंगा कि मैं जो हूँ आज के दिन भाई मंदिर ढूंढ रहा हूँ, ऐसे में उसको थोड़ा पागल बनाऊंगा अपनी बातों में। पागल बनाते बनाते मैं उससे बोलूंगा, ओ राघव मेरे को भी प्यास लग रही है, प्लीज राघव मेरे लिए पानी ले आ नीचे से, ठीक है। तुम नीचे भागता हुआ पानी लेने जाएगा, ठीक है। उसी वक्त मैं क्या करूंगा, मैं सेव एंड क्विट करूंगा, सिंगल प्लेयर पे जाऊंगा और टेम्पल ऑफ नॉच खोलूंगा और उसको पता भी नहीं लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा होगा क्योंकि अभी तक वो पानी नहीं ला पाया होगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं तब तक आ जाऊंगा इस वर्ल्ड में यहाँ पर। तो जो मैं मंदिर की बात कर रहा था ना, वो वाला मंदिर वो यहाँ पे होगा। तो जब वो पानी लेके आएगा उसको ऐसे दिखाऊंगा कि मैं उस वाले जंगल से ये पानी को पार करते करते इधर साइड आ गया हूँ, ठीक है। एंड मैं उससे बोलूंगा कि रघु अभी मैं पानी पी रहा हूँ, मैं उतनी दूर से यहाँ से आ गया हूँ कि अब तू इसको आगे जा, ठीक है। तेरे को वो टेम्पल मिल सकता है, अगर तुमको टेम्पल मिलता है तो तेरे को बहुत सारे डायमंड मिलेंगे इस तरीके के। तो हमारा राघव जो है वो देखेगा आगे जाएगा एंड वो देखेगा, ओ रचित भाई यहाँ पे कुछ चीज है, यहाँ पे देखो वहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो फिर मैं उससे बोलूंगा कि ये जो कैनल है इसके अंदर अगर हम लोग गोल्ड डालते हैं तो ये सामने वाला दरवाजा ओपन होता है। तो यही होगा एक्चुअली, यहाँ पे अगर हम लोग गोल्ड डालते हैं गाइस तो ये जो सामने वाला दरवाजा है ना ये ओपन होता है। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये दरवाजा बंद हो गया ना, तो अगर हम इसके अंदर डालेंगे ये गोल्ड को, ये डाला हमने गोल्ड तो सामने वाला दरवाजा ओपन हो जाएगा। हो गया ना ओपन, एंड ओपन होने के बाद मैं उससे बोलूंगा कि अंदर जाना है, तो वो अंदर जाएगा इसके। एंड जैसे ही अंदर जाएगा सामने वाला दरवाजा ओपन होगा एंड सामने एक मूर्ति मिलेगी, ठीक है, जिसकी आंखें ओपन होगी और अगर हम लकी हुए तो हमें एक्चुअली यहाँ से डायमंड्स मिलेंगे, ठीक है। डायमंड गिरते हुए अगर हम अनलकी हुए तो हम यहाँ से नीचे गिर जाएंगे। ये देखो मेरे को डायमंड्स मिल गए भाई बहुत सारे, थैंक यू माइनक्राफ्ट मोजोंग महाराज जी मुझे इतने डायमंड देने के लिए। तो यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे आपको डायमंड मिल सकते हैं, या तो आप नीचे गिर जाएंगे, यहाँ पे लकी अनलकी वाला सीन है, ठीक है। तो मेरे को डायमंड मिलेंगे सबसे पहले जब यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को डायमंड मिलेंगे, ठीक है। फिर जब वो आएगा तो वह यहाँ के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, अभी ये रास्ता ही बंद हो गया भाई, मतलब कि अगर अपने को डायमंड नहीं मिलते हैं तो हम सीधे नीचे गिर जाएंगे, नीचे लावा होता है और फिर वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये तीन प्रैंक्स हैं जो कि मैं उसके ऊपर आज के दिन करने वाला हूँ। एंड यस आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, इतनी इतनी खतरनाक मैंने माइनक्राफ्ट वीडियो पहले नहीं बनाई है। लेट्स सी आखिर ये माइनक्राफ्ट वीडियो कैसी लगती है तुम लोग को। यस ओके मजाक से हटके अभी मैं बुलाता हूँ राघव को और इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ओके राघव तुम्हें पता आज के दिन हम लोग क्या करेंगे? आज के दिन हम लोग माइनक्राफ्ट खेलेंगे। बट स्पेशल चीज जान दो क्या है? नो सोचो क्या हो सकती है स्पेशल चीज? नहीं आ रही। माइनक्राफ्ट के अंदर तुमने कभी भी जादू देखा है कोई सा भी? नो आज के दिन तुम्हें मैं माइनक्राफ्ट के अंदर जादू दिखाऊंगा। कैसा जादू? सबसे पहले मैं तुम्हें अपना माइनक्राफ्ट का बल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है सबसे पहला मेरा घर, तुम मेरे कपड़े देख रहे हो? देखो बिल्कुल जैसे मैं पहने हूँ वैसे ही है ना, ये भी सफेद वो भी सफेद। ओके तो वो तो नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, ये देखो डायमंड की तलवार, ये डायमंड की, मेरे पास पिकेक्स भी है। ओके सबसे पहले मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तो ये है मेरा प्यारा सा घर, ठीक है। इसके अंदर मेरे घर के अंदर जो है ये एक छोटा सा बेड भी है और ये चेस्टे हैं, ये मैंने अपने किताबें रख रखी हैं, ठीक है। और अगर तुम थोड़े से बाहर जाओगे इस घर के तो तुम्हें यहाँ पे ये खेती मिलेगी। तुम्हें पता है तुम मेरे से पूछते ना, रचित भाई जब आप पढ़ते नहीं हो तो आप क्या करते हो? यस तुम्हें इसमें आप खेती करते हो? नहीं मैं रियल लाइफ में भी खेती करता हूँ। ओके उसके बाद ये जो तुम देख रहे हो ना ये है मेरा पोर्टल। इससे क्या होता है, हम अगर इसके अंदर जाते हैं तो हम दूसरी दुनिया में जा पाएंगे। हाँ, क्या होता है? लावा होता है उसमें। तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है ना इसके बारे में? हाँ हाँ अभी तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, ठीक है। जो सामने वो तुम्हें पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ को तुम्हें तोड़ना है। ये मैंने डायमंड की एक्स तुम्हें दे दी है, ठीक है। और उस पेड़ को तोड़कर मेरे पास लाओ। सबसे छोटा है वो सबसे नीचे है। हाँ मतलब ये जो तुम्हें जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना उन पेड़ को तोड़ के लाओ, ठीक है। और तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। ये लो मेरा तोड़ के आओ। Oh my God!
वहाँ पे। ये देखो तुम्हें डायमंड कैसे मिल गए? मैंने ये पेड़ तोड़ा, एक लकड़ी तोड़ी और जैसे ही डायमंड मुझे दिखाई दे गए। अच्छा बहुत सारे हैं यहाँ पे। तब मैं सोची ये अबे मुझे कैसे मिल गए। चलो कोई ना, डायमंड पता इससे तोड़े जाते हैं, ये जो पिकेक्स होती है ना इसको इस्तेमाल करो, इसको तोड़ो। ठीक है लाइट सा क्या मिलता है हम लोग को? ये यही है डायमंड। ठीक है ये नीचे इधर साइड डले हैं। ठीक है अपने पास ये चार चार डायमंड आ गए। मैंने तुमसे बोला था कि इस हमारे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर जादू है। ये थोड़ा मैंने तोड़ा उसमें इसे एक दिखाई देगा। अच्छा इसका मतलब पता इसका सीन क्या है? ये जो वर्ल्ड है ना इसमें एक गॉड है ऊपर वाला और मतलब भगवान। हाँ तो इस वर्ल्ड में जो भी नया बच्चा आता है ना, कोई भी आता है, तो अगर भगवान को बच्चा अच्छा लगता है तो उसको फ्री में डायमंड मिलते हैं। वैसे एक और चीज है, मैं एक और चीज तुम्हें बताना भूल गया था। अगर तुम इस कैरेट को पूरा खाते हो और डांस भी करते हो तो इसके ग्राफिक्स और भी अच्छे हो जाएंगे और वाइट हो जाएगा। हाँ करना है। और अगर इसके ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो यहाँ पे एक जगह मिलेगी जिसमें लिखा होगा डायमंड्स यहाँ पे हैं, और अगर उसके नीचे तुम जाओगे डायमंड्स हाँ वहाँ पे डायमंड ही डायमंड होंगे। तो तुम सबसे घास होती है वैसे ही बिल्कुल। हाँ चाहिए खाना है इसको पूरा खाओ और उसके बाद तुम्हें डांस भी करना है। सीधी कर देना कोई ना, खाओ ऐसे ही करना है। हाँ पूरा पूरा खाओ जल्दी। जीभ कट गई। अरे जीभ मत काटो यार इतनी। हाँ ओके अभी तुम्हें डांस भी करना है। ओके अभी डांस करो कुछ अच्छे गाने पे करो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। ओके कर लिया अब उधर साइड बैठो एंड पांच बार दोबारा उठक बैठक करो उल्टे। हाँ आओ। ओ। ओ, ये हवा चलने लगी। हवा चलने लगी और कितने अच्छे ग्राफिक्स हो गए। Oh my God। वैसे रघु वो क्या है पीछे? आई थिंक उधर साइड जाना चाहिए अपने को। अब अगर तुम लकी हुए ना तो तुम्हें यहाँ पर जगह मिलेगी। ठीक है जहाँ पे लिखा होगा बहुत सारे डायमंड्स। तुम्हें लगता है तुम्हें डायमंड मिल सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं लगता है नो। बट मेरे हिसाब से तुम्हें डायमंड मिल सकते हैं। तुम्हें यहाँ पे देखना है किसी जगह पे लिखा हुआ है, कोई बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है कि नहीं? पीछे किधर साइड? मुझे तो दिखे ही नहीं बोर्ड। वो है किधर साइड है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा बोर्ड। आप मुझे दो। कहाँ पे है बोर्ड? ये है। मुझे नहीं दिख रहा है। तुम्हें बोर्ड पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? डायमंड्स यहाँ पे मिलेंगे, यही मिलेंगे। मुझे लग रहा है इसको तोड़ने जाऊँ। नहीं नहीं आगे क्या है? मुझे कुछ भी आगे वो मुझे गड्ढा दिख रहा है। डायमंड मुझे लग रहे हैं। डायमंड मुझे मिल गए। ओके तुम डायमंड लो। ये लाइट कैसी है? आई थिंक किसी ने यहाँ पे भगवान ही नहीं लाइट्स लगाई होंगी। मैं आता हूँ थोड़ा पानी पी के। ठीक है ओके तब तक डायमंड्स तोड़ो। कहीं चला ना जाऊँ। अरे लावा 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 मैं मर गया। ओह नो मुझे दोबारा करना पड़ेगा। ये कहाँ क्या आ गया? मेरा घर कहाँ है? मुझे बहुत खराब हो गया मेरा साथ। मुझे ढूंढना पड़ेगा वरना मुझे रचिता ही डर देगी। ढूंढना पड़ेगा। अब तो मैं गया काम से। सॉरी देख लो कुछ नहीं है मेरे पास। इतने दूर कहाँ पे आ गए? मैं लावा में जल गया था। कौन सा लावा? वो मैं डायमंड लेने गया तो मैंने एक डायमंड तोड़ा उसके नीचे लावा आया। मुझे लगा लाइट होगी तो मैं नीचे गया देखा जल गया मैं। तुमने मेरे डायमंड चुरा लिए। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने काम छुपाए हैं डायमंड। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे डायमंड चुरा लिए इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खिलाता हूँ। इसीलिए नहीं खिलाता। तुम ये कहाँ जा रहे हो? गरी तो साइड थे कहीं। इधर साइड नहीं। तुम ये गुफा में यहाँ पे ज़ॉम्बीज हैं। बाहर आओ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। तुमने मेरे डायमंड चुरा लिए। मैंने आपके डायमंड कहीं नहीं दुकाए हैं। मैं पानी पीने गया और वैसे ही मैंने देखा तुमने सारी चीजें गायब कर दिया। मेरी डायमंड पिकेक्स मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुमने सब कुछ। मैं लावा में गिर गया था। तुम झूठ बोल रहे। सच में मैं गॉड प्रॉमिस बोल रहा। ये यहाँ पे थे ना? यस यस यस। देखो अभी अगर लावा में होगा तो वो लावा में दिख रहा होगा मेरे को। कुछ नहीं है नीचे। तुमने सारा सामान यहाँ पे डाल दिया जिससे कुछ मिल ना पाए मेरे को। मैंने खुद नहीं डाला था।
ये तुम आई थिंक ये तुम्हारी ही जगह है, तुमने मेरे घर के नीचे गुफा बना रखी है। अब मैं जैसे ही नीचे गिरूंगा तो मैं जल जाऊंगा, तो मैं अपना सामान कभी ले ही नहीं पाऊंगा। तुमने मेरा सब कुछ गायब कर दिया। मैंने नहीं किया, इसीलिए नहीं खेलता मैं तुम्हारे साथ। मैं लावा में जल गया था। चलो कोई ना, अभी अभी मैं तुम्हें एक जगह पे घुमाने के लिए ले चलता हूँ, ठीक है? इधर साइड एक टेम्पल है, समझे? टेम्पल मंदिर। तुम्हें टेम्पल का मतलब नहीं पता है? आपने बनाया है क्या खुद? क्या किसी ने बनाया है वहाँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है? उसको हर कोई नहीं ढूंढ पाता है, ठीक है? कोई भी, सब आपने ही ढूंढ। हाँ लाइक सिर्फ कोई, मैंने भी नहीं ढूंढा है, वो अभी तक किसी को मिला नहीं है, ठीक है? एंड बहुत कम लोग हैं जिसको वो टेम्पल मिल सकता है। और आपको कैसे पता लगा तू? वो मतलब किसी को पता नहीं है, वो इस माइनक्राफ्ट की स्टोरी में है कि वो एक टेम्पल है, ठीक है? एक आदमी टाइप का चेहरा होता है उस टेम्पल में, ठीक है? तो वो किसी ने ढूंढ नहीं पाया है। किसी ने भी नहीं ढूंढ पाया है। तो भाई कोई भी किसी ने भी नहीं ढूंढ पाया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उधर ही साइड जा रहा हूँ जिस साइड वो टेम्पल है, ठीक है? तब तक किसी ने बताया है? हाँ मुझे किसी ने बताया है। तब तक तुम क्या करो मेरे लिए जो है ना, वो कैरेट ले आओ खाने के लिए। हाँ नीचे से जल्दी जल्दी, मैं दस्ता गिनती करूंगा, जल्दी धीरे से रघु, थोड़ा पानी भी ले आना, पानी भी ले आओ। मैं घूमते घूमते काफी दूर तक आ गया, ठीक है? बट मेरे को मिल नहीं रहा है। नहीं नहीं चेस्ट नहीं मिली, वो वहाँ पे मैंने अपनी जगह चीजें रख रखी थी। ओके एक्चुअली मैं ये कह रहा था, मैं ढूंढते ढूंढते मेरे को काफी टाइम हो गया, ठीक है? और मैं उधर साइड से आ रहा, जब तुम गए तो मैं उधर साइड से पानी में जा रहा था, तो पानी से मैं इधर साइड आ गया, ठीक है? मेरे को अभी भी टेम्पल नहीं मिल रहा है। तुम ढूंढो साइड से तुम्हें मिल जाए, चेक करो साइड से मिल जाए। सीधा जाना है, मेरे को बोला गया था सीधा जाना है, तो मैंने पानी पार कर लिया, तो इसी के आसपास हो सकता है। उस टेम्पल के पास अपने को ये डालने पड़ते हैं, गोल्ड है ना, वो डालना पड़ता है उसमें, फिर खुलता है। सीधे जाना है, तुम किधर जा रहे हो? हाँ सीधे जाओ, फिर अब वो फिर खुलता है वो। हाँ जब उसमें वो डालेंगे ना तब खुलता है। ये पर गोल्ड लगे हुए है, मुझे लग रहा है ये वो ही मंदिर लग रहा है मुझे। पानी में जाना पड़ेगा, पानी में गोल्ड डालना पड़ेगा, क्यू बटन दबानी पड़ती है। क्यू बटन दबाओ, डालो आप। क्या डाल दिया मैंने, अब बताया जाता है गेट खुलता है। ओ खुला। अंदर जाए, ये लाइट्स यहाँ पे बताया जाता है, अगर किसी को अच्छा होगा ना तो अपने को अच्छी चीज मिलेगी। ओ खुला, उस सामने चेहरा रहा, कुछ हुआ क्या? ओ आगे खुली, कुछ हुआ? मुझे लग रहा उसमें लाइट्स आ रही है। ओ अपने को डायमंड मिल गए रघु, ये तो मिलते जा रहे, ये मिलते जा रहे ऊपर से, 64 डायमंड्स हो गए हमारे पास। अभी अभी ये मेरा लगता, मैंने इसमें गोल्ड डाला, ठीक है? तो मेरे को मिला। अब अगर तुम इसमें दोबारा से गोल्ड डालोगे ना तो मुझे और कुछ मिलेगा। हाँ तो तुम्हें और कुछ चीजें मिल सकती है, तो क्यों डालो। हाँ चलो पानी में गया, अब नीचे जाओ, नीचे जाओ तुम अपनी तरफ से। ये खुला ही नहीं गेट, खुल तो गया। नीचे जाओ आगे, बिल्कुल आगे गेट, आओ आगे साइड में आओ, सीधे साइड। आई थिंक नीचे तुम्हारे नीचे जाने की जगह है, नीचे जाना जाओ। ये कहाँ से मर गया है? तुम अनलकी थे, मुझे डायमंड मिले, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम्हें मार दिया भाई, तुम्हें इस मूर्ति ने मार दिया। किया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो मैंने कुछ किया होता तो मैं भी मरता ना। मुझे डायमंड मिले, तुम्हें कुछ नहीं मिला, मुझे तूने मिला कुछ, मैंने पूरा अपना पार किया था, वहाँ तक मैंने ढूंढ के लाया। ओके कोई ना, आज के लिए इतना ही, मजा आया तुम्हें, ठीक है बाय। ओके आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो ये मेरी टिपिकल टाइप की वीडियो नहीं थी माइनक्राफ्ट में, यानी मेरी बिल्कुल नॉर्मल वीडियो नहीं थी, बट मेरे को लगा कि मेरे को कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए तो मैंने ट्राई किया। होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम अर्चित, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मम्मी के पैर छुओ, बाय।